जो कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्यार करता है चैनल को सब्सक्राइब कर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके वह सभी दोष दूर होने लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र हो जाता है। आपको ये तो मालूम होगा कि सावन महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान की सुख की प्राप्ति होती है। आप सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं? तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्र एवं चावल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए। आपको कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आपके शत्रु कम होने लगते हैं और आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर एवं दुर्बल है और अगर वह शिवलिंग पर सावन महीने में देसी गाय का शुद्ध घी चढ़ाता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपके संतान को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है एवं उसका जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को किसी पंडित या जरूरतमंद को दान देना है एवं उसे भोजन करवाना है। कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिवजी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति बनी रहती है। अगर आपको धन की समस्या है तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़ मीठा होता है। तो अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अपने स्वाद अनुसार ही परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्या कम होती है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आपको शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिवजी पर अर्पित करने से शुभ होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन अगर व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। तो सोमवार व्रत करने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। सोमवार व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है।
तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती की आराधना करनी है। सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। आप इसमें फलाहार भी कर सकते हैं, यह व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए आप सुबह शिव पार्वती की पूजा के बाद इस व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन मान्यता है कि सुबह और शाम दोनों समय के पूजा के बाद ही इस व्रत को खोलना चाहिए।